तो दूसरे कई सरकारों ने सभी को जोहार, जय भीम, लाल सलाम, जय भीम, धन्यवाद। शिवू और राव जी का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं ये मल्टीकल्चरल ग्रुप है जो है सिर्फ मुस्लिमों को इम्पैक्ट करने वाला है, लेकिन ये सभी वर्ग के लिए, और मैं ईसाई वर्ग में हूँ या फिर कोई हिंदू वर्ग में भी है, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके पास जो कागजात हैं वे कागजात सफिशिएंट नहीं होगी भी किसी भी तरह से नागरिकता प्रूफ करने के लिए। कहीं पे बाढ़ आता है तो अपने कागजात गुम हो जाते हैं, किसी के पास ज़मीन के कागजात नहीं है, मेरे पिताजी के पास में जन्मतिथि का कागजात नहीं होगा, मेरे पिताजी कहाँ जन्म लिए थे ये या किसी को भी अपने पिता और माता का जन्म स्थान बताना और उसका जन्म का प्रूफ दिखाना ये किसी भी तरह से एकदम पॉसिबल नहीं है। तो ये इस प्रकार से ये सभी को परेशान करने वाली चीज़ है। हम जानते हैं कि अभी भी आधार जिनका नहीं होता था उनको कितने ही लोगों को राशन नहीं मिला, और इसीलिए NPR की जो प्रक्रिया 1 अप्रैल से चालू हो रही है उस NPR में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न ऐसे हैं जो जिसका जवाब एकदम गैर वाजिब है। मतलब ये प्रश्न पूछे ही नहीं जाने चाहिए। NPR 1 के वेश में NRC को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जबकि NRC के बारे में सरकार ने खुद कहा है कि NRC जो है वो लागू नहीं होगा, लेकिन इस बारे में कोई भी स्पष्टता केंद्र सरकार ने नहीं दी है। इस तरह का जो कानून बना है इसमें जो कुछ नए प्रावधानों की बात हो रही है उसका विरोध हो रहा है। जैसे 10 या 11 वर्ष पर जनगणना होता है उससे किसी को विरोध नहीं है, लेकिन NRP के बारे में एक तो गोपनीयता बनाई गई है, कभी होम मिनिस्टर बोलते हैं कि नहीं होगा, कभी बोलते हैं होगा। एक चीज़ तो ये है, प्राइम मिनिस्टर मंच से बोल चुके हैं कि NRP नहीं होने वाला है, उसके बावजूद होने की बात होती है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ इस तरह का। दूसरा कि NRP मतलब ये हुआ कि आपको नागरिकता के बारे में रजिस्ट्रेशन होगा, पंजीकरण होगा, यानी आप नागरिक हैं कि नहीं हैं ये बात होना है। झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान NIPM साई टावर 4th फ्लोर सर्कुलर रोड रांची।